हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। बी शादी दुल्हा हुआ फरार, दुल्हन को बाराती से करनी पड़ी शादी। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। गाइस, इन दिनों एक अजब गजब मामला सुनने में आ रहा है जहां दुल्हा भी शादी से फरार हो गया। इसके बाद दुल्हन को मजबूरन शादी में ही आए एक बाराती से शादी करनी पड़ी और ये घटना इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसकी चर्चा हर ओर हो रही है। जो भी इस खबर के बारे में सुन रहा है उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा। ये अजीबोगरीब घटना महाराजपुर इलाके की है। दूल्हा खूब धूमधाम के साथ बारात लेकर दुल्हन के घर पर आया और पूजा से लेकर शादी से पहले होने वाली सभी रस्में ठीक ढंग से हो गई। जयमाला भी कुशल मंगल से संपन्न हुई। इसके बाद दुल्हन के परिवार वाले शादी के मुख्य समारोह की तैयारी कर ही रहे थे कि दूल्हा अचानक से गायब हो गया। इसके बाद बाराती और घरातियों दोनों ने दूल्हे को ढूंढने की शुरुआत कर दी ताकि शादी ठीक ढंग से संपन्न हो जाए। काफी देर दूल्हे को ढूंढने के बाद भी दुल्हा नहीं मिला। इसके बाद देर रात ये पता चला कि दुल्हा शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए जानबूझकर बी शादी से भाग गया और ये सब मामला देख दुल्हन काफी ज्यादा घबरा गई। इसी बीच दुल्हन का परिवार काफी दुखी हो गया था। इस दौरान एक शख्स ने दुल्हन के परिवार को ये सलाह दी कि आप बारात में आए किसी अन्य योग्य शख्स को देखकर दुल्हन की शादी कर दीजिए। सलाह को दुल्हन के परिवार वालों ने फौरन मान लिया और बारात में आए योग्य वर को चुना और उसके बाद दुल्हन के परिवार ने उसके माता पिता से बात की और अपनी बेटी की शादी उससे करवा दी। दुल्हन के परिवार ने भागे हुए दुल्हे और उसके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। घटना पर नरवाल थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर शेष नारायण पांडे का कहना है कि हमें वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों परिवार की तरफ से शिकायत मिली है। वहीं गौर करने वाली बात यह है कि दुल्हे के पिता धर्मपाल ने अपने भागे हुए बेटे का पता लगाने की मांग की है और इस घटना को लेकर जांच जारी है। आगे जो भी होगा उसको ध्यान में रखकर कार्रवाई की जाएगी। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।